जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ पर, जो CRPF को पैरामेडिकल स्टाफ में जो कांस्टेबल का जो फिजिकल होने वाला है 18 जनवरी से, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो अगर आपका भी होने वाला है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, आपकी कुछ समस्याएं का समाधान में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। साथ ही जो मेन आपकी प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड वाली, उस पर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो साथ ही मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, अगर आप अभी तक उससे नहीं जुड़े हो तो उससे जरूर जुड़ जाइए। उस पर आपको मैं जैसे कोई भी नई वैकेंसी आती है, जितनी भी इंडिया में ऑल इंडिया में न्यू वैकेंसी होती है, उसके वीडियो अपडेट डेली अपडेट होंगे। डेली अगर कोई भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में आपको उधर से जानकारी मिलती रहेगी, साथ में तो रीजनिंग की क्लासें आपको वहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो अब बात करते हैं जो CRPF पैरामेडिकल स्टाफ में, आपको पता है कि SI हेड कॉन्स्टेबल और ASI का जो मेडिकल था वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। उनका जो फिजिकल था वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। अब फिजिकल रहा है कॉन्स्टेबल का, जो वाटरमैन, कुक, वो वाटर कोरियर हो गए, वाशरमैन हो गए, धोबी हो गए, इनका जो फिजिकल रहा है वो 18 जनवरी से इनका फिजिकल होने वाला है। लेकिन कईयों के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं दोस्तों। और वो बार बार बोलते हैं कि सर अगर आपको हेल्प कर सकते हो हमारी तो इसके बारे में तो हेल्प कर दीजिए। तो ये वीडियो पूरा इसी पर है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जिनके एडमिट, सबसे पहले एडमिट कार्ड। तो दोस्तों जो एडमिट कार्ड हुआ क्या था, जो 14 दिसंबर को जिनका फिजिकल स्टार्ट हुआ था SI ASI और हेड कॉन्स्टेबल का, तो आपको शायद पता नहीं होगा या पता भी होगा कि उनकी जो ऑनलाइन लिस्ट आई थी एडमिट कार्ड की, वो आई थी कब, 12 को, यानी 2 या 3 दिन पहले 12 दिसंबर को उनकी एडमिट कार्ड लिस्ट आ गई थी ऑनलाइन। तो अब क्वेश्चन रहता है कि क्या ऑफलाइन वालों की भी ऑनलाइन कार्ड एडमिट कार्ड आएंगे। तो दोस्तों जिनको भी ऑफलाइन एडमिट कार्ड भेजे गए हैं उनके भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आएंगे, जो आप साइट से, जो उसकी ऑफिशियल साइट है SSC.NIC की, उस पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका एक नोटिस निकला के फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके और फिजिकल देने जा सकते हो दोस्तों। उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होता क्या कि कईयों को ऑफलाइन जो एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं, लेकिन डाक सेवा की वजह से या कोरोना के टाइम पे कई जगह स्टाफ की कमी की वजह से या डाक आप तक नहीं पहुंचती, एडमिट कार्ड आप तक नहीं पहुंचता, इसीलिए ये सुविधा की गई है कि आपके 2 या 3 दिन पहले, यानी आप मान के चलिए कल या परसों तक आपके ऑनलाइन एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे SSC की साइट पर। तो आप जाके ज़रूर चेक करिए, आपका ऑफलाइन नहीं आया और आपका ऑनलाइन दिखा रहा है, तो आप वो स्क्रीनशॉट लीजिए और जाके फिजिकल दे दीजिए। इसका फिजिकल इतना हार्ड नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि 1600 मीटर की रनिंग मेल के लिए और 800 मीटर की रनिंग फीमेल के लिए, जिसमें 8 मिनट मिलती है और मेल को 10 मिनट मिलता है। तो इसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, तो जितने भी एलिजिबल जो डॉक्यूमेंट्स आपके 10th क्लास जैसे मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, आपके पास में डिटेल होगी अब तक पूरी, और जो आपका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है अगर आप लेके जाते हो, उसके जो नंबर मिलते हैं तो ज़रूर लेके जाना। और अगर आपके पास में नहीं है तो भी जाना, तो भी आपको कोई फेल नहीं करेगा, लेकिन अगर पास आपके पास में है तो ज़रूर लेके जाएं। फिजिकल इसका इतना टफ नहीं है, इसलिए आप जितने के आगे एडमिट कार्ड वो ज़रूर जाके ट्राई करना और फिजिकल देके आना, बहुत इजी फिजिकल है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और एडमिट कार्ड आपको अभी तक नहीं पहुंचा हाथ में, तो आप कब तक पहुंच जाएगा ये मैं बता दिया कि कल या परसों तक आपके ऑनलाइन ये एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिस प्रकार से उनके आए थे लिस्ट में उस प्रकार से आपके भी आ जाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप देखे आ सकते हो दोस्तों फिजिकल। तो तैयारी रहिए और 18 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।